हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, तो आज मैं आपके लिए फ्राइड पोटैटो मोमोज लाई हूँ। फ्रेंड्स, आपने बहुत सारी मोमोज खाए होंगे, वेज मोमोज, पनीर मोमोज, चिकन मोमोज, लेकिन फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए पोटैटो मोमोज लेके आई हूँ। फ्रेंड्स, ये बहुत ही टेस्टी बने, तो चलिए इसकी रेसिपी देख लेते हैं। एक बॉल में मैदा लेंगे और उसे हम बड़े बर्तन में ट्रांसफर कर देंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे और 1 चम्मच ऑयल डालेंगे और फ्रेंड्स इसे अब हम हाथों से मिक्स कर लेते हैं। फ्रेंड्स, अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और चलिए अब इसका हम एक सॉफ्ट डो बना के रेडी कर। देखिए, एक सॉफ्ट डो बन के रेडी हो गया है, तो चलिए अब इसे हम ढक के 10 मिनट तक रख देते हैं। ये देखिए, यहाँ मैंने 2 बड़े आलू को छील करके ग्रेट कर लिया है और 2 पानी अच्छे से धो के इसे साफ कर लिया है। फ्रेंड्स, अब इसमें हम 1 चम्मच नमक डाल देते हैं और इसे 10 मिनट तक ऐसे ही पानी में छोड़ देंगे ताकि आलू का सारा मॉइस्चर निकल जाए। अब हम एक पैन चढ़ा लेंगे, उसमें हम 2 चम्मच ऑयल डालेंगे। फ्रेंड्स, ज्यादा ऑयल नहीं डालना है, तो 2 चम्मच ऑयल डाल दें। फ्रेंड्स, ऑयल गर्म हो चुकी है, तो अब इसमें हम लहसुन डालेंगे, 1 इंच अदरक डालेंगे और हरी मिर्ची 1 बारीक काट के डाल दें। फ्रेंड्स, इसे हमें हल्का सा भून लेना है। फ्रेंड्स, ये भून चुका है, तब इसमें हम 1 बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे और चलिए अब इन सबको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और इसे हल्का हम पका लेंगे। फ्रेंड्स, इसे ज्यादा लाल नहीं करना है, इसे बस हम हल्का सा पका लेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ हमने जो आलू रखा था पानी में, अब इसे हम ऐसे पूरे पानी को अच्छी तरह से गाड़ के आलू को निकाल के एक सेपरेट प्लेट में रख लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसका मॉइस्चर निकल चुका है। फ्रेंड्स, ये देखिए, प्याज हल्का भुन चुका है, तो अब इसमें हम आलू डाल देंगे। अब चलिए इसे हम अच्छी तरह से चला लेते हैं और इसे हम भून लेंगे। तो फ्रेंड्स, इसे हमें ज्यादा नहीं पकाना है, इसे हम हल्का सा भून लेंगे बस, क्योंकि मोमोज में जितने भी सब्जी हम डालते हैं उन सबको हम पूरा नहीं पकाते। तो चलिए इसे अब हम हल्का पका लेते हैं। फ्रेंड्स, अब इसमें हम नमक डालेंगे। अब चलिए इसे हम मिक्स कर लेते हैं। फ्रेंड्स, अब इसमें हम 1/2 टेबल स्पून काली मिर्च पाउडर डाल देंगे। अब चलिए इन सबको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। फ्रेंड्स, ये देखिए, हमारी स्टफिंग बन के रेडी हो चुकी है, तो चलिए अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर लेते हैं। फ्रेंड्स, अब चलिए हम इसमें से छोटी छोटी लोई बना लेते हैं। फ्रेंड्स, ये देखिए कितना सॉफ्ट डो बना है, हमें ऐसा ही एक सॉफ्ट सा डो बना के रेडी करना है। अब इसमें से हम एक छोटी छोटी लोई बना लेंगे। फ्रेंड्स, ज्यादा बड़ी नहीं बनाएंगे, देखिए फ्रेंड्स इतना बड़े, इतने बड़े हम लोई लेंगे। और फ्रेंड्स, ये देखिए, यहाँ मैंने मैदा लिया है, सूखा मैदा, तो लोई को हमें इसमें दोनों साइड से लपेट लेना है। और चलिए अब इसे हम बेलते हैं। तो फ्रेंड्स, हम इसे एक छोटा इसका पूरी बना के रेडी करेंगे। फ्रेंड्स, इसे ज्यादा मोटा ना रखें, इसे हल्का पतला सा एक छोटा सा पूरी बना के रेडी कर लें। ये देखिए फ्रेंड्स, इसका मैंने एक पूरी बना के रेडी कर लिया है। फ्रेंड्स, अब इसमें हम स्टफिंग डालेंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, यहाँ मैंने 1 चम्मच स्टफिंग ले लिया है, तो अब इसे हम इसके बीचों बीच रख देंगे। चलिए इसे हम बीच में रख देते हैं और अब इसे हम मोड़ लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, पहले हमें इन दोनों को ऐसे फोल्ड करके मोड़ देना है और इन्हीं के ऊपर सारे परत को बैठाते हुए हमें मोड़ते चले जाना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ऐसे इसे मोड़ते चले जाएं धीरे धीरे। अब चलिए इस साइड से मोड़ लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने इसे मोड़ लिया। अब इसे एक ऐसे निकाल लें और चलिए इसे दबा देते हैं। फ्रेंड्स, तो ये देखिए,
ये हमारे मोमोज बन गए हैं। तो चलिए सारे मोमोज को बना के ऐसे ही रेडी कर लेते हैं। देखिए मैंने सारे मोमोज बना के रेडी कर लिए हैं, तो चलिए अब इसे हम स्टीम करते हैं। फ्रेंड्स ये देखिए मैंने यहाँ एक छलनी ले लिया है, इस पर मैंने ऑयल से इसे ग्रीस कर लिया है। तो चलिए इसमें अब हम अपने मोमोज रख देते हैं थोड़ी थोड़ी दूरी पे। फ्रेंड्स अगर आपके पास स्टीमर हो तो आप उसका यूज कर सकते हैं यहाँ पे। चलिए फ्रेंड्स तो यहाँ देखिए ये मैंने सारे मोमोज यहाँ रख दिए। फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ मैंने एक बर्तन में पानी गर्म कर लिया है। फ्रेंड्स अब इसके ऊपर हम मोमोज रख देंगे और इसे हम ढक देते हैं। हमें ढक के अच्छी तरह से स्टीम कर लेना है। ये देखिए मोमोज स्टीम हो चुकी है, तो चलिए अब इसे अब हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। ये देखिए यहाँ मैंने ऑयल चढ़ा लिया है और ऑयल गर्म हो चुकी है। फ्रेंड्स तो अब इसमें हम मोमोज डाल देंगे। तो फ्रेंड्स एक बार में जितना मोमोज आ जाए उतना हमें इसमें डाल देना है। फ्रेंड्स अब हम गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे और हमें मीडियम फ्लेम पे ही इसे अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है। फ्रेंड्स चलिए अब हम इसे पलट करके दूसरे साइड से भी फ्राई होने देते हैं। फ्रेंड्स तो ये देखिए हमारी मोमोज दोनों साइड से अच्छे से फ्राई हो चुकी है, तो चलिए अब इसे हम निकाल लेते हैं। ये देखिए हमारी फ्राइड मोमोज बन के बिल्कुल रेडी हो चुकी है। और फ्रेंड्स ये देखिए ये कितनी अच्छी बनी है और ये खाने में बहुत ही अच्छी लगती है, तो आप इसे जरूर ट्राई करें। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।